हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट पार्ट टू। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वैम्पायर्स को डांस करते हुए दिखाया जाता है। उन्होंने वहां पर एक लड़की को बांधा हुआ था। उस लड़की को बचाने के लिए एडम नाम का पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है। पुलिस ऑफिसर को देखते ही वैम्पायर्स उस पर हमला करते हैं, पर वो सबको एक एक करके मार देता है। एडम उस लड़की को बचा के वहां से ले जाता है, पर वो देखता है कि ये तो बस एक सपना है। जिसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसको वहां पर दो आदमी दिखाई देते हैं जो काफी अजीब और घिनौने थे। अगर आपको याद हो तो इन दोनों को हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, जो वही दोनों मॉन्स्टर भाई हैं और ये जिंदा बच गए थे। जिनके साथ उसको जोजिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसको हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, यानी ये भी बच गई थी। वो सार्जेंट से पूछता है कि ये तो अजीब आदमी और ये लड़की कौन है, जिस पर सार्जेंट उसको बताता है कि ये लड़की बोल रही है कि आसमान से एक उल्का पिंड आकर गिरा, जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए। इन दोनों आदमी ने उस पर अटैक करने की कोशिश भी की थी। ये बात सार्जेंट को बहुत अजीब लगी, इसीलिए उसने तीनों को हथकड़ी लगा दी। सार्जेंट उनको लेकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जिससे जोजिया डरने लगती है, पर सार्जेंट जबरदस्ती उसको घर के अंदर ले जाते हैं। वो उसे कुछ पूछ पाता, इतने में उसका पेट खराब हो जाता है, जिससे उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। सार्जेंट जाते वक्त जोजिया को बेड से बांध जाता है। जोजिया देखती है कि उसके बेड के नीचे उल्का पिंड का टुकड़ा है, जो पिघलकर उसके अंदर घुस जाता है। सार्जेंट वापस आता है और देखता है कि जोजिया वहां पर नहीं है। वो उसको ढूंढता है, तभी अचानक जोजिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि सार्जेंट की आधी बॉडी कटी हुई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। वही पुलिस स्टेशन में वेनेसा और एडम को दिखाया जाता है, जो सार्जेंट का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे। एडम सार्जेंट का कॉल ट्राई करता है, पर उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। और जब काफी समय के बाद कोई जवाब नहीं आता, तो वेनेसा एडम से कहती है कि तुम सार्जेंट को देख कर आओ। एडम अकेले जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वेनेसा को उसके साथ जाना पड़ता है। वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं और वहां सार्जेंट की हालत को देखकर काफी डर जाते हैं। एडम तो भागने की कोशिश करता है, पर वेनेसा जाने से मना कर देती है और कहती है कि हमको जोजिया को ढूंढना होगा, वो लोगों के लिए खतरा है। एडम काफी ज्यादा डरा हुआ था और कहता है कि हम दोनों ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वेनेसा डिफेंस फोर्स को मदद के लिए बुलाती है। उसी दौरान हम कैंप के मालिक को देखते हैं, जहां जोजिया रुकी थी। उसी वक्त वहां की लाइट चली जाती है और वो इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक करने जाता है। वो उसको ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी जोजिया वहां पर आकर उसके मुंह को इलेक्ट्रिक बोर्ड में घुसा देती है। देखते ही देखते उसका पूरा मुंह जल जाता है। और वो यहीं पर नहीं रुकती, उस आदमी के पेट में हाथ डालकर सारी अंतड़ियां निकाल लेती है और उस आदमी की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स के दो आदमी जो पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर जंगल में जा रहे होते हैं, वहीं वो लोग जब जंगल में ट्रैप पे जा रहे होते हैं, तो वेनेसा को जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। वेनेसा वहां पर एक पत्थर फेंकती है और वहां से एक जानवर निकलकर ट्रैप की तरफ आता है, जिससे वो ट्रैप बंद हो जाता है और स्लेवक के दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। एडम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। वो लोग बहुत मुश्किलों से स्लेवक को जंगल से बाहर लेकर आते हैं, जहां का नजारा तो और भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत बहुत खराब थी। उसमें जितने भी लोग थे उन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। तभी एडम को जोजिया दिखती है, जो कि बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। एडम उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत सब लोगों को वहां एक कमरे में ले जाता है। तभी उन्हें उस कमरे की अलमारी से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और जब वो उस अलमारी को खोलकर देखते हैं, तो वहां पर कैंप ओनर की वाइफ जेन होती है। जेन बहुत खुश होती है कि अब उसकी जान बच जाएगी। वहीं स्लेवक का खून काफी बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर उसका भाई बहुत गुस्सा होता है। उसको लगता है कि इन सब का जिम्मेदार एडम और वेनेसा है। अब एडम सबको समझाता है कि उन्हें जोजिया को पकड़ना होगा, इसलिए वो सब प्लान करते हैं और जेन को चारा बनाने को कहते हैं। जेन बहुत डरी हुई थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोजिया मैरियस के पास पहुंचती है और उसका दिल निकाल लेती है, जिसकी वजह से मैरियस की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जोजिया हवा में उड़ते हुए आती है और जीन पर अटैक करती है। हालांकि वेनेसा उसे बचने के लिए उस पर गोले चलाती है, पर एडम समझ जाता है कि वो जीन को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए वो वेनेसा को केबिन में ले जाता है, जहां जोजिया भी दरवाजा तोड़कर जीन का सर लेकर वहां पहुंच जाती है। ये मंजर काफी खतरनाक था। यहां वेनेसा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो
मैडम को जोजिया के पास धक्का देकर एम्बुलेंस लेकर वहां से भाग जाती है। अब जोजिया अपने मुंह से एक खतरनाक सा टेंटिकल निकालकर एडम के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद वो एक एलियन में बदल जाता है। एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एडम उसे पूछता है, जिस पर जोजिया बताती है कि जो कुछ भी उसके अंदर था, यानी कि उस उल्कापिंड के टुकड़े जिससे वो एक क्रीचर बन गई थी, वो सब उसने एडम के अंदर भी डाल दिया है। वो दोनों अब एक क्रीचर बन चुके हैं। उनका काम अब सबको मारना है। पहले तो एडम इसके लिए नहीं मानता, पर जोजिया उसको कन्विंस करती है और कहती है कि तुम जिसको सबसे पहले मारना चाहते हो हम उसको ही मारेंगे, जिसके बाद वो एक आदमी के घर जाते हैं। जोजिया पूछती है कि तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहते हो। तब एडम कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। पहले तो एडम उसे डरता है, लेकिन बाद में वो घर में घुसकर बुरी तरीके से उसको मार देता है। अब उन दोनों को इस काम को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जोजिया एडम से कहती है कि हम अपने दोनों आदमियों को भी पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन दोनों आदमियों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर आने में। वहीं वेनेसा आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिसको देखकर एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसको तो मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। एडम वेनेसा का गला दबाने लगता है। जोजिया एडम से कहती है कि तुम इसको जान से मार दो, पर एडम ऐसा नहीं कर पाता, जिसको देखकर जोजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको धक्का दे देती है, जिसके बाद वो खुद वेनेसा की पूरी खाल खींचकर निकाल देती है। इस वक्त जोजिया इतने गुस्से में थी कि वो लगातार उस पर वार करती है और उसका मुंह कुचल देती है। वो एडम से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हालांकि एडम उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोजिया कहती है कि अगर तुम उससे प्यार करते तो वेनेसा को मार देते। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जोजिया बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्पेशल फोर्स एडम को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसी दौरान हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां एक मॉन्स्टर को स्टेशन के अंदर से एक ग्रेनेड मिल जाता है, जिसका पिन वो निकाल देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस एडम को ही बंदी बनाकर ले जाती है। जिसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एडम पर रिसर्च कर रहे हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि नोबडी स्लीप्स इन द वुड टुनाइट के सेकंड पार्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।